हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि हमारा संधि का एक प्रकार है। वर्णों के आधार पर हमने संधि को तीन भागों में बांटा था। पहला था स्वर संधि, दूसरा था हमारा व्यंजन संधि और ये हमारा तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि कहते किसे हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग के साथ, विसर्ग से के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या फिर हमारा व्यंजन मेल करके नया रूप परिवर्तित करता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ हमारा स्वर हुआ या फिर व्यंजन हुआ वो संधि करके यानी मिल के जो नया विकार उत्पन्न करता है उसे हम विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है हमारा जैसे नि च नि च, तो इससे जो हमारा रूप परिवर्तित हुआ वो हुआ निश्चय। जो हमारा रूप परिवर्तित या फिर नया शब्द बना जो वो हुआ हमारा निश्चय। अगला है निहफल निह, ये हमारा विसर्ग है और ये हमारा व्यंजन है। फल, तो जो हमारा नया शब्द बना वो हुआ निष्फल तो जब विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन मेल करके नया रूप परिवर्तित करते हैं या फिर नया विकार लाते हैं उसे हम विसर्ग स्वर विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में है निहधन चय, उससे नया शब्द बना जो हमारा वो है निश्चय। निह धन फल निष्फल, तो ये हमारा विसर्ग संधि हुआ। ये जो हमारा है ये विसर्ग है और इधर का हमारा व्यंजन, तो इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बना है वो हुआ निश्चय, तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब दूसरे उदाहरण में ये हमारा विसर्ग हुआ और ये हमारा व्यंजन और इससे जो नया रूप परिवर्तित हुआ या फिर नया शब्द बना है वो हुआ निष्फल, तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में ये होता है जब विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन मेल करके नया रूप परिवर्तित करते हैं या फिर नया शब्द बनाते हैं उसे हम
विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके दो उदाहरण। धन्यवाद।